चलो लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरी एकास्टिक बिल्ड के साथ आता है, और इसका जो कलर वेरिएंट है ये ग्रेफाइट ब्लैक कलर जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो फ्लेक्स है थोड़ी सी फ्लेक्स मिल जाएगी आपको, और इसका जो हेड है काफ़ी कमाल का, एक हाथ से आप लोग खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई फ्लेक्स नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी आप लोग को काफ़ी स्टर्डी एक स्क्रीन मिलता है, अच्छा अटैचमेंट है तो काफ़ी स्टर्डी है। और हाँ, ये लैपटॉप पूरा 180 डिग्री नहीं खुलता है जस्ट, लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी एंगल तक ये खुल जाता है, काफ़ी खुल जाता है, बेंड हो जाता है। और इसमें और इसका जो कीबोर्ड फ्लेक्स है, कीबोर्ड फ्लेक्स तो ना के बराबर है, मैं भी या नहीं पता नहीं चलता, एकदम ना के बराबर है। ठीक है, और ऊपर से आप देख सकते हैं डॉटेड पैटर्न दिया हुआ है, और यहाँ पर एक पैटर्न टाइप फिनिश दिया हुआ है यहाँ पर भी दोनों साइड। यहाँ पर टफ की ब्रांडिंग है, टफ गेमिंग की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर LED लाइट्स दिए हुए हैं। जब ऑन करूँगा तब आप लोग को दिखाऊँगा LED लाइट्स कैसे ग्लो करते हैं। और यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है, और यहाँ पर एक कट साइज का एक डिज़ाइन दिया हुआ है। तो आप लोग बोल सकते हैं डिज़ाइनिंग के बारे में मामले में टफ कभी भी पीछे नहीं हटती, काफ़ी कुछ करती है, काफ़ी मेहनत करती है आसूस की कंपनी। तो यहाँ पर आप लोग को जैसे देख सकते हैं एयर वेंट्स मिल जाएगा, तो और पीछे से आप लोग देखिए, पीछे से यहाँ पर खुला खुला माहौल दिया हुआ है, यहाँ पर काफ़ी खुला दिया हुआ है ताकि हीट जो है अच्छे से निकल सके और हीटिंग इश्यूज ना हो यहाँ पर। आप लोग लैपटॉप का MFP दे सकते हैं जैसे कि 2022 मार्च। तो अब पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे एक पावर केबल का एक पोर्ट, एक लैन पोर्ट, दो एक HDMI पोर्ट, और दो 3.2 USB टाइप ए पोर्ट दिया हुआ है, एक टाइप सी पोर्ट, 3.2 टाइप सी पोर्ट, और एक ऑडियो हेडफोन जैक कॉम्बो जैक का एक पोर्ट दिया हुआ है। अब राइट साइड के पोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इस साइड में एक USB पोर्ट, वो भी 3.2 का है, 3.2 टाइप ए है, और यहाँ पर एयर वेंट्स दिए गए हैं, एक हैंगिंग स्टोन ब्लॉक दिया गया है जो कि आजकल काफ़ी सारे लैपटॉप के साथ देखा जा सकता है। हाँ, एक पोर्ट मिसिंग है यहाँ पर जो कि काफ़ी डिमांडिंग है आजकल, थंडरबोल्ट पोर्ट, वो पोर्ट इसमें मिसिंग है। एक i5-11300H और i5-11400H का एक लैपटॉप आता है, वो भी RTX 3060 के साथ आता है, वो F15 एंड F-Dash वेरिएंट है इसमें, लेकिन आप लोग को थंडरबोल्ट पोर्ट मिलेगा। तो आसुस को इसमें भी एक थंडरबोल्ट देना ही चाहिए था।